नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने उठाया अलवर गैंग रेप का मामला, कहा एक दलित बेटी के साथ दो हफ्ते पहले बलात्कार हुआ, लेकिन राज्य सरकार उन दरिंदों को पकड़ने के बजाय केस को दबाने में लग गई। उन्होंने कहा, मैं अवार्ड वापसी गैंग से पूछना चाहता हूं कि अलवर की बेटी के साथ बलात्कार होने के बाद भी आप सब चुप क्यों बैठे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में लिया निशाने पर। वो बोले कि कांग्रेस और उसके महामिलावटी साथियों ने देश को तीन शब्दों के आधार पर चलाया है। उनका मंत्र रहा है, हुआ तो हुआ। चुनाव आयोग ने नमो टीवी को लेकर बीजेपी को भेजा नोटिस। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद भी चुनाव संबंधी प्रसारण को लेकर भेजा नोटिस। कल दिल्ली की सातों सीटों पर होना है मतदान। गौतम गंभीर को केजरीवाल ने भेजा कानूनी नोटिस, कहा 24 घंटे में मांगे माफी। गंभीर ने केजरीवाल के बारे में कहा था कि मैं शर्मिंदा हूं कि मेरा मुख्यमंत्री केजरीवाल है। बीजेपी नेता गुमान सिंह डाबोर ने कांग्रेस पर निशाना साधने की कोशिश में दिया विवादित बयान। बोले, अगर हमारे प्रधानमंत्री नेहरू की जगह विद्वान वकील जिन्ना होते तो देश के टुकड़े नहीं होते। आम आदमी पार्टी नेता बलबीर सिंह जाखड़ के बेटे उदय जाखड़ ने केजरीवाल पर लगाया बड़ा आरोप, कहा पिता बलबीर सिंह जाखड़ ने टिकट के लिए केजरीवाल को दिए 6 करोड़ रुपए। आम आदमी पार्टी ने बलबीर जाखड़ को पश्चिमी दिल्ली से बनाया है अपना उम्मीदवार। पश्चिमी दिल्ली से आम आदमी प्रत्याशी बलबीर सिंह जाखड़ ने बेटे उदय के सभी आरोपों को किया खारिज। बोले, मेरी नहीं होती है उससे बात, वो अपनी माँ के साथ रहता है जिससे मेरा 2009 में हो चुका है तलाक। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी नेताओं पर साधा निशाना, कहा अब वे मेरी जाति पूछ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि देश के गरीबों की जाति ही मेरी जाति है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर पक्षपात ना करने को कहा है। दरअसल राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने 23 अप्रैल को मध्य प्रदेश के शहडोल में दिए गए भाषण पर नोटिस भेजा था, जहां राहुल ने कहा था कि मोदी सरकार ने ऐसा कानून बनाया है इसमें आदिवासियों को गोली मारने की इजाजत दी गई है। भारत को अमेरिका से मिला पहला अपाचे गार्जियन हेलीकॉप्टर, भारतीय वायुसेना ने ट्वीट कर दी जानकारी। भारत ने अमेरिका से 22 अपाचे गार्जियन हेलीकॉप्टर लेने का करार किया है। अपाचे हेलीकॉप्टर दुनिया का सबसे आधुनिक और घातक हेलीकॉप्टर माना जाता है। एक्टिंग गुरु के नाम से मशहूर रोशन तनेजा का 87 साल की उम्र में हुआ निधन। नसीरुद्दीन शाह, जया बच्चन और अनिल कपूर जैसे अभिनेताओं को सिखाया था अभिनय। आ वेंसडे फिल्म के प्रोड्यूसर अंजुम रिजवी को हुई 4 महीने की जेल। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अवमानना के जुर्म में सुनाई जेल। YT कैपिटल्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी का कोर्ट के आदेश के बावजूद नहीं चुकाया था बकाया। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।